हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बुक का नाम है मैथ्स वर्क, जिसे पब्लिश किया है अविद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, टू स्पेशल ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलीस, एंड पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हमें पता ही है कि एक क्लोज फिगर है, इसकी तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं। अब हम आते हैं कि ट्रायंगल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनके साइड की लेंथ के द्वारा और उनके एंगल्स के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। अगर हम उनके साइड के बेसिस को उन्हें क्लासिफाई करें तो पहला है स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी इक्वल साइड, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलीस ट्रायंगल, इसकी दो साइड इक्वल, कम से कम दो साइड इक्वल होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है। अगर बात करते हैं कि हम एंगल को उनके, अगर हम ट्रायंगल को उनके एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो क्या होगा, जब तीन एक्यूट एंगल होते हैं तो उन्हें एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। जिसके में एक राइट एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, या हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल में। अब आते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक है, बीसी लाइन है और एम क्या है, उसकी मिड पॉइंट है ऑफ द साइड बीसी, जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एम क्या हो गया, हमारा मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब आते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स to the opposite side of a triangle is called the altitude. Altitude मतलब height. तो PS क्या है? एक perpendicular है जो कि हमने QR line पे draw किया है. तो PS क्या? PS को क्या कहते हैं? Altitude of triangle PQR. Exterior angle of a triangle. When any side of a triangle is extended beyond the vertex, it forms an exterior angle with the other side of the on the सेम वर्टेक्स। जब हम किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, हमने क्या किया, द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये है ट्राइंगल हमारा एबीसी, ये है साइड बीसी, इसको हमने प्रोड्यूस किया ई को, ई तक। तो ये जो एंगल बन रहा है ए सी ई, ये बाहरी एंगल है, ट्राइंगल के बाहर है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और एंगल ए और एंगल बी इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ए और बी, ए और बी ट्रायंगल के अंदर है तो वो इंटीरियर, और दूसरे उसमें वर्टेक्स पे, तो इसे इंटीरियर एंगल कहा जाएगा। थ्योरम देखते हैं, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो ये एबीसी जो है हमारा ट्रायंगल है, जिसकी साइड बीसी है, वो एक्सटेंड कर दिया है टू डी, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एसीडी। तो जो एसीडी होगा वो वन और टू के एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होते हैं, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस थ्री, सम ऑफ द एंगल मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का क्या सम होना चाहिए, 180 डिग्री। इसे समझते हैं एक प्रॉब्लम से। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए क्या है 51 डिग्री, एंगल बी क्या है 56 डिग्री, हमें एंगल सी निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल का क्या कहता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल ए और बी हमें पता है, हमने उनकी वैल्यू रखी और दोनों को ऐड किया और हमने इनकी साइड एक्सचेंज की, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई है, 73 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 107 डिग्री, ये आ गई हमारी 73 डिग्री। प्रॉब्लम नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल हुज एंगल मेजर 65 डिग्री 30 डिग्री। हमें बताना है कि क्या ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और उसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। 65 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 85 डिग्री को जोड़ के क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। बी पार्ट है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, हमने उन्हें जोड़ा तो आंसर क्या आया, 190 डिग्री। तो
ये एंगल सम प्रॉपर्टी को पूरी नहीं कर पा रहा है, आंसर 180 डिग्री नहीं आया है, तो ऐसा ट्रायंगल नहीं हो सकता। ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। फिर ये एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं दो स्पेशल ट्रायंगल की, वो है इक्विलेटरल और आइसोसेलीस ट्रायंगल। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है कि जिसकी तीनों साइडें क्या है, बराबर। अब तीनों साइडें बराबर हैं तो इसमें हर एक एंगल कितने का है, 60 डिग्री। तभी तो मिलके एंगल सम प्रॉपर्टी बनाएगा 180 डिग्री का। अब आते हैं आइसोसेलीस पे। आइसोसेलीस एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल है, उसे कहते हैं आइसोसेलीस। अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल, उनके अपोजिट इक्वल साइड के भी बराबर होंगे। प्रॉब्लम करते हैं, दो फिगर है ए और बी, दोनों में ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ये जो दोनों है लाइन पी क्यू और पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। एक्स क्या है, एंगल ये है, एंगल पी क्यू आर क्या है हमारा, 40 डिग्री है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलीस एंगल आर इक्वल। दूसरा जो है हमारी फिगर, वहां पे क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें 70 डिग्री है और दूसरा एक्स है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। आइसोसेलीस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है बी सी इज इक्वल टू लाइन बी ए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी जो है 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने के बाद हमें मिला 70 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने ये सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 55 डिग्री। अब आते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पे। ये गिवन है यहाँ पे, ये थ्री एंगल, थ्री ट्राइंगल्स हैं, इनके सम्स के बारे में लिखा है। यू विल फाइंड दैट इन ईच केस ए बी प्लस बी सी क्या है, तीसरे दो साइड्स का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 90 डिग्री और जिसके दो एंगल्स क्या है, एक्यूट। ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल हमारा पॉइंट वाई पे होगा, तो इसके सामने वाला जो साइड है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। द अदर टू साइड आर नोन एज द बेस एंड परपेंडिकुलर। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनियस क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे लंबा साइड होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर क्या है, इसके दो साइड का स्क्वायर, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे समझेंगे एक प्रॉब्लम से, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे लंबा साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो हम सोचते हैं कि 5 सेंटीमीटर वो हाइपोटेनियस है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा 25, तो ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है एंड आई होप आप ये चैप्टर, इसके क्वेश्चंस, इसकी रिवीजन एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।